हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का वीसीसी सागर में। तो पिछले लेक्चर तक हमने क्या 5 क्वेश्चंस देखे थे असाइनमेंट 1 किसके काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशनल मोशन के, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाया था। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10th क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब अगले 5 क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, टू कार्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन अ सिंगल रोड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब दो कार्स है हमारे पास, रोड एक ही है, ठीक है, दो कार्स है, ये एक रोड है, यहाँ पे कार ए है, ठीक है, और यहाँ पे कार बी है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू कार्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दो कार जो हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। मतलब ये कार किस तरफ मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, और ये कार इस डायरेक्शन में उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रही है 12 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या है, व्हेन दे आर 160 मीटर्स अपार्ट then each car decelerates at 2 meters per second square until they stop in order to avoid collision, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब वो 160 मीटर की दूरी पर हैं, मतलब 160 मीटर्स क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 160 मीटर्स है, और कार ए और कार बी की स्पीड उस टाइम पे क्या है 10 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अब क्या है, दोनों कार सेम डिसेलरेशन से, डिसेलरेशन कहने का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और जब हम डिसेलरेट करते हैं तो हमारी वेलोसिटी कम होती जाती है। तो जब डिसेलरेट आएगा और तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव में होगी, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमेशा हम नेगेटिव में लेंगे। अब क्या है, ये बोल रहा है अनटिल दे स्टॉप इन ऑर्डर टू अवॉइड कोलिजन, मतलब ये तब तक इस एक्सेलरेशन से, मतलब डी एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट होती है, कब तक, जब तक ये रुक ना जाए और कोलिजन अवॉइड ना हो जाए। मतलब ये धीरे धीरे ये कार जाके यहाँ पे कहीं पे रुकेगी, ठीक है, ये कार धीरे धीरे जाके कहीं पे यहाँ पे रुकेगी, ठीक है। तो अब कोलिजन तो अवॉइड हो गया, दोनों की दोनों रुक गई, मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट, जब दोनों की दोनों रेस्ट में आ जाए, मतलब यहां भी क्या है v इज इक्वल टू जीरो और यहां भी v इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों कार्स क्या है रेस्ट पे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, हमें टोटल 160 मीटर्स दे रखा है, हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, मतलब दोनों कार जब तक फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हुई, रुकने तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ये दोनों हम निकाल लेंगे, दोनों कार का अलग अलग, और उसको हम क्या करेंगे 160 से माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्स निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, या हमें पता है इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड है और राइट डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर हम मानते हैं कि डीएक्सेलरेशन है, ठीक है, तो डीएक्सेलरेशन क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगना, ठीक है। तो हम या साइन कन्वेंशन पे भी यहां चल सकते हैं या फिर बिना साइन कन्वेंशन के भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, कि अगर 10 मीटर पर सेकंड कार ए की है, अगर हम कार ए की बात करें सबसे पहले, तो हम क्या कर सकते हैं, v क्या है जीरो है, u क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, और हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन -2 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो टाइम जब हम निकाल सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो अगर हमें टाइम पर नहीं जाना है, हमें अच्छा सा इक्वेशन लगाना है, तो हम ये भी लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां पे v हमारा क्या है जीरो है, माइनस u क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है -2, और s हमें निकालना है, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा s जो निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 25 मीटर्स। तो कार a के लिए जो हमारा निकला, जब तक वो रुकता है रेस्ट पे जाता है, तो ये 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। सिमिलरली हम कार बी के लिए क्या करते हैं, बी के लिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है,
ठीक है। तो अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो हम राइट डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसकी जो वेलोसिटी है इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव है। और मैंने क्या बोला था कि जो डिसेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो बॉडी के मोशन के अगेंस्ट होगा। मतलब बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। मतलब अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है ये कार, तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन वो उस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में लगता है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो कार बी की अगर हम बात करें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as अगर हम लेते हैं, तो v यहां पे क्या है, जीरो तो होगा ही, माइनस u क्या हम ले लेंगे, इसकी वेलोसिटी क्या है 12 मीटर पर सेकंड, तो माइनस 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का ही स्क्वायर, मतलब माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा 144 इज इक्वल टू 2। अब यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन ये इस डायरेक्शन में लगेगा कार बी पे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये हम क्या ले लेंगे 2। ठीक है, और ये हो गया एस, तो एस हमारा क्या हो गया, एस इज इक्वल टू 144/4, तो ये हमारा क्या हो गया 36, तो एस इज इक्वल टू 36 मीटर आया। ये किसके लिए आया, हमारा कार के, कार बी के लिए, तो ये 36 मीटर हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि अगर हमें एक्स निकालना है, ये एक्स निकालना था हमें क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे 160 में से ये दोनों डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे। कहने का मतलब जो हमारा एक्स होगा वो क्या हो जाएगा 160 मीटर्स माइनस ये क्या हो जाएगा 25 मीटर्स प्लस 36 मीटर्स, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 160 मीटर्स माइनस ये क्या हो जाएगा 6 5 11 161। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 99 मीटर्स। तो x जो हमारा आ गया वो आ गया 99 मीटर्स। मतलब क्वेश्चन में जो हमें पूछ रखा था कि जब वो दोनों की दोनों कार रेस्ट पे चली जाएंगी तो वो कितने डिस्टेंस पे होंगी, मतलब वो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया 99 मीटर्स। फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया, सिंपल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7th पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर्स पर सेकंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वो कितनी है, u इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या कहने का मतलब इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब क्या बोल रहा है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डेटा दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसमें पहला पार्ट है, a बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 seconds। मतलब पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि टाइम क्या है हमारा 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमें s निकालना है। ठीक है, तो s हम कैसे निकालते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u हमारे पास क्या है 2.5 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 0.5, और टाइम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 5 + 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6 मीटर्स। तो पहला पार्ट जो है उसका आंसर आ गया हमारा 6 मीटर्स। ठीक है, तो और अब पार्ट बी हमारा क्या बोलता है कि हाउ मच टाइम Does it takes to reach the velocity 7.5 meters per second? ठीक है, अब क्या है हमारा जो final velocity है, अब v हमारा क्या दे रखा है 7.5 meters per second। ठीक है, 7.5 meters per second, और ये बोल रहा है कि 7.5 meters per second तक आने में कितना time लगता है। मतलब u है हमारे पास, v है हमारे पास, a है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v कितना है हमारे पास 7.5 इज इक्वल टू यू कितना है 2.5 प्लस एक्सेलरेशन 0.5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमें चाहिए। ठीक है, तो टाइम हमें चाहिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें सीधा टाइम निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7.5 माइनस 2.5, ये हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो जब हम टाइम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो पार्ट बी भी हमारा हो गया, जो हमें टाइम पूछ रहा था 7.5 मीटर्स पर सेकेंड तक के स्पीड आने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब पार्ट सी हमारा क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो 7.5 मीटर्स पर सेकेंड तक
आने में, वेलोसिटी इतनी आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमारा सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू हमारे पास कितना है 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इन मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है हमारे पास, 10 सेकेंड हमें लगाए इतने स्पीड तक आने में, टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0.5 और टाइम का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कितना 50, ये हो जाएगा 25 प्लस 0.5 इंटू 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25, तो s इज इक्वल टू आ गया हमारा 50 मीटर्स। तो ये हमारा तीसरे पार्ट का आंसर आ गया, मतलब हमने पार्ट ए भी कर लिया, बी भी कर लिया, सी भी कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन 7 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन है मेरे 8 हमारा क्या बोलता है कि पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a फॉर अ टाइम t, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकंड। ठीक है, तो अब हम क्या मान सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि जो टोटल मोशन है हमारा वो n सेकंड्स के लिए हो रहा है। ठीक है, तो जब हम मान लेंगे कि जो पूरा मोशन है हमारा वो n सेकंड्स के लिए हो रहा है, तो हमारा जो लास्ट सेकंड है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है। ठीक है, धीरे धीरे चलते चलते हम कहाँ पर आ गए, ये यहाँ तक आ गए, ये हमारा n सेकंड है। ठीक है, और यहाँ बीच में हमारा n माइनस 1 सेकंड है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकंड। ठीक है, तो लास्ट 1 सेकंड कहने का मतलब कि ये वाला टाइम, ठीक है, और ये वाला टाइम हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, nth सेकंड है। ठीक है, मतलब n माइनस 1 सेकंड के बाद ये क्या है, nth सेकंड है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये क्या था, nth सेकंड के लिए। तो हमारा जो पहला पार्ट है, पार्ट ए है, उसका सॉल्यूशन सीधा ये हो जाएगा। पार्ट बी में हमारा क्या बोल रहा है, बस इसके लिए कुछ डेटा दे रखा है। डेटा हमारा ये दे रखा है कि u इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू 2 है, t इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, मतलब u इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड, a इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम इज इक्वल टू क्या है हमारा, 10 सेकंड्स। ठीक है, तो टाइम हमारा 10 सेकंड्स है। अब हम क्या कर सकते हैं कि टोटल टाइम 10 सेकंड्स है हमारे पास, मतलब ये जो टोटल मोशन हो रहा है यहां से यहां तक, ये कितना है, 10 सेकंड के लिए हो रहा है। तो 10 सेकंड के लिए हो रहा है मतलब क्या, n इज इक्वल टू 10 है यहां पे। ठीक है, मतलब n इज इक्वल टू क्या है, 10 सेकंड्स। तो सीधा फॉर्मूले में हम क्या डालेंगे, s 10, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u क्या है हमारा 5 प्लस एक्सेलरेशन 2 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, मतलब 20 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 5 प्लस ये हो जाएगा 19, ये आ गया हमारा 24। तो हमारा जो s आ गया, s 10, ये आ गया हमारा 24 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9th पे। तो क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा, अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, 2 किलोमीटर। तो अगर 2 किलोमीटर को हम डिवाइड करते हैं, ये हो गया 1 किलोमीटर और ये हो गया अनदर 1 किलोमीटर। तो पहले 1 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, और अगले जो 1 किलोमीटर है उस पर वो कितने से चलता है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, तो अब हमारे को क्वेश्चन में पूछ रखा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर जो चल रहा है तो एवरेज स्पीड हमारा क्या है। तो एवरेज स्पीड हमने क्या पढ़ रखा था, एवरेज स्पीड ये हमने पहले पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ पे 2 किलोमीटर है। ठीक है, 2 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी होता है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो एस इज इक्वल टू यू टी होता है। ठीक है, मतलब ये हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन यू। अब हमें ये पता है कि ये जो टाइम है ये इतने पार्ट के लिए अलग होगा और इतने पार्ट के लिए अलग होगा, क्योंकि क्या है हमारे पास, इन दोनों में स्पीड अलग अलग है, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम इसके लिए क्या हो जाएगा, टी वन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है, 6। ठीक है, और इसके लिए टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर, और ये हमारा क्या है, स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो टी वन और टी टू हमें निकल गया, मतलब टोटल जो टाइम है, ठीक है, टी हो जाएगा टी वन प्लस
टी टू, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 1/8, ये हमारा क्या हो जाएगा 14/48, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 14/48, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 × 48/, ये सेकेंड्स में है, 2 × 48/14, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 48/7 क्या आ जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब हमें पता है 7 × 7 क्या होता है 49 होता है, तो फिजिक्स में हम काफ़ी ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो हम अप्रोक्स बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, इसे हम अप्रोक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज रिलेटेड टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स एज वी इज इक्वल टू अंडर रूट 3x + 4। मतलब एक रिलेशन हमारा दे रखा है, वी इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट 3x + 4 है, और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अलग सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा रिलेशन दे रखा है, अब हमें पूछा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है, हमें सिर्फ दे रखा है ये और हमारे को पूछ रहा है क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था v² = u² + 2as, ठीक है। अब s क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या बता रखा है x बता रखा है, तो हम क्या मानेंगे v² = u² + 2ax, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने एक इक्वेशन ये पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखकर क्या पता चलता है, ये अंडर रूट है, तो जब हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा v² LHS में, और RHS में ये रूट हट जाएगा, मतलब 3x + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, v² = 4 + 3x, ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये क्या है हमारा v² = 4 + 3x, और हमारे पास एक इक्वेशन क्या है हमें जो पता है वो क्या है v² = u² + 2ax। अब ये दो जो इक्वेशंस है ये एक तरह से सिमिलर दिख रहे हैं, तो सिमिलर दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं LHS में v² ये ठीक है, RHS में क्या है हम देख सकते हैं कि ये x वाले टर्म को हम x वाले टर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है, x के कोफिशियंट को x के कोफिशियंट से हम कंपेयर करेंगे, मतलब ये दो जो एंटिटीज हैं मतलब 2ax और 3x ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और ये जो है u² और 4 ये दोनों इक्वल होने चाहिए, कहने का मतलब हम LHS को इक्वेट करेंगे, ठीक है, और हर एक टर्म जो RHS में जो सिमिलर है इसके, मतलब v² = 4 + 3x है, तो जिसमें x है हम x वाले से ही कंपेयर करेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको हम कांस्टेंट से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन किस टर्म किस तरह का दिख रहा है v² = u² + 2x के टाइप का दिख रहा है, इसलिए हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, एक तो ये LHS = LHS, मतलब v² = v² ये तो है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, दूसरा 2ax = 3x, 2ax = 3x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ गया 3/2, मतलब 1.5 m/s², ठीक है। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, अब हमारे को पूछा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी u होता है, तो अब हम क्या करेंगे इस कांस्टेंट टर्म को इससे इक्वेट करेंगे, मतलब u² = 4, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा u = 2, ठीक है, मतलब ये 2 m/s हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ गया। तो ये क्वेश्चन हमने क्या किया है कंपेयर करके सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिजिक्स में आगे बहुत मिलने वाले हैं, और मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के असाइनमेंट भी आपको ढेर सारे देने वाला हूं, और इस बोर्ड पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो आज हमने जो टोटल 15 क्वेश्चन थे उनमें से हमने आज तक 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस लेक्चर में अगले 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे अगले जो रेस्ट 5 क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर इन सब क्वेश्चंस को आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और बार बार इसको देखते रहें और समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप उसको ना समझें, आप उसको बार बार समझने की कोशिश करें, वीडियो को दोबारा रिपीट करें, ठीक है, और आप इनके नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर नोट्स असाइनमेंट्स और PDFs मिलते रहें,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।